सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज का टॉपिक देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। जी हाँ, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, आप मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं देवकुंड वाटरफॉल में, जो कि पड़ता है, आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि देवकुंड वाटरफॉल का वीडियो बनाने के चक्कर में मैं यहाँ पर 3 बार वापस आकर जा चुका हूँ। रीज़न ये था कि देवकुंड वाटरफॉल जो है काफ़ी दिनों से बंद था, बीच में चालू हुआ था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसे फिर से बंद कर दिया गया। फाइनली देवकुंड वाटरफॉल जो है फिर से खुल चुका है। सो आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप देवकुंड वाटरफॉल में कैसे आओगे, अगर बजट ट्रैवलर हो, सिंगल हो या फिर ग्रुप के साथ आना चाहते हो। टोटल ओवरऑल पूरी इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सो हम मुंबई से निकले रात के 2 बजे बस से। मैं जो हूँ ना, एक ट्रैवल एजेंसी के साथ में आया हूँ, लाइक उनकी एक बस आई जिसमें उन्होंने हमें एक बजट बताया 1000 रुपये का, आना जाना खाना पीना लंच ब्रेकफास्ट एवरीथिंग जो है अनलिमिटेड होगा। तो फिर मैंने इनका साथ पकड़ लिया और मैं आ गया हूँ फिलहाल इनके साथ में। मुंबई से हम निकले थे 2 बजे रात को और सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं 5 बजे। जी हाँ, 5, 5:30 लगभग, मतलब 3 घंटे का पूरा रास्ता है मुंबई से यहाँ तक आने का सफ़र। फिलहाल मैंने आपको बताया ये गांव जो है पटुआ, इस गांव में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से हमें जाना है भीरा करके, भीरा एक छोटा सा गांव है और है, भीरा एक और गाँव है, यहाँ से पड़ता है 2 किलोमीटर की दूरी पर। सो फिलहाल अभी मेरी बस जो है वापस पीछे आने वाली है। यहाँ पटुआ से हम बस से जाएँगे भीरा तक और भीरा से जो है हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे वाटरफॉल तक। तो चलिए, ज़्यादा कुछ और ना बोलते, आपको पूरी डिटेल में बताता रहूँगा। और अगर आप आने का प्लान कर रहे हो और कुछ अगर आपके दिल दिमाग में क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको पता है मैं जो हूँ रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा कुछ और ना बोलते वीडियो की करता हूँ शुरुआत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर कहीं भी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना। ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए वीडियो की करता हूँ शुरुआत। चलिए, फिलहाल जिस ग्रुप के साथ में आया हूँ मैं, ये है हमारे ग्रुप पूरा, और आधी ग्रुप जो है वो बस से वहाँ पर जा चुकी है, 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये देखिए अपने ग्रुप है ये। सो ये आ गई हमारी बस जो हमें इस गांव से भीरा गांव तक लेके आएगी जहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। तो 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो चलते फिर अंदर बैठते हैं। सो फिलहाल असली ट्रैकिंग जो है वहाँ से चालू होने वाली है, मुझे लग रहा था पीछे से चालू होगा, बट यहाँ पे पार्किंग वगैरह अवेलेबल है, आप अपनी गाड़ी वगैरह से आते हो तो पार्क कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल देवकुंड में मुझे पता चला है 5000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर वाटरफॉल के पास। चलो देखते आगे। भाई ये देखो नज़ारा सामने का, मतलब यही तो चीज़ आप देखने आते हो यहाँ पे, यही चीज़ देखने के लिए बस, मतलब यहाँ पर आते ही आपका पैसा जो है वसूल हो जाता है, आपकी थकान जो है वो वसूल हो जाती है। सामने हमारा एक लेक है छोटा सा और वहाँ पर माउंटेन, माउंटेन के ऊपर पूरा फॉग यानी स्काई, बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल भी हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट हम चलने वाले हैं बड़े वाले वाटरफॉल के पास, यानी देवकुंड वाटरफॉल के पास। ये देखो, सो फाइनली ट्रैकिंग जो है अब जाके चालू हो गई है। टाइम हो रहा है, पता नहीं टाइम मैंने वॉकिंग वाला लगाया, कितने बजे, 8:27 हो रहा है और अब जाके हमारी ट्रैकिंग जो है चालू हुई है। मतलब हम सुबह 5:30 बजे आए यहाँ पे और ट्रैकिंग जो है 8:27 को चालू हो रही है। चलो बढ़िया, कोई नहीं। तो फिलहाल चलते हैं आगे, कुछ एक छोटा सा आई थिंक झरना टाइप ही है, देखते हैं क्या है नीचे। एग्जैक्टली जान तो है नहीं, लेकिन थोड़ा संभल के आना पड़ता है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा नीचे तरफ जा रहा है वो। और शूज़ जो है आप अच्छे वाले पहन के आना, बिकॉज टूटने के चांसेस बहुत है शूज़ के। ये देखो, ये हमारे सामने एक वाटरफॉल का जो पानी है बहता हुआ, यहाँ पे हमें इसे रिवर को क्रॉस करके आना है और यहाँ पर लगी हुई है रस्सी, उसे पकड़ते हुए क्रॉस करते हुए आना है। फिलहाल फोर्स पानी का उतना नहीं है जितना होना चाहिए, पिछली बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो बहुत ज़्यादा फोर्स था, लेकिन ठीक है,
इतना कम है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो हमें टाइम हो चुका है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, हम चल रहे हैं। एक रिवर जो हमने क्रॉस कर दी है, नाउ सेकंड वाली जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नीचे पानी बहुत ज़ोरों का एक झरना और बह रहा है, आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है। आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक अलग सा फील महसूस होगा, लाइक ये जो आवाज़ है, ये साउंड है, ये आपके दिल को बहुत ज़्यादा राहत देती है। तो ये हमारे सामने एक छोटा सा तालाब टाइप है, मैंने इसका नाम पढ़ा था बट नाम भूल गया मैं इसका, क्या है नाम एग्जैक्टली, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ये जो झरने का पानी है टोटल यहीं पर आकर जमा होता है। जब से मैं चल रहा हूँ मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा हूँ, हमने ट्रैकिंग तो कर ली नेचर के साथ में, बट यार गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं हम। मेरे पास भी बोतल है लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस बोतल को मैं डस्टबिन तक लेके जाऊँ, अगर लेकर आया हूँ तो साथ में यहाँ से लेकर भी जाऊँ। लेकिन इतने सारे लोग जो आते हैं यहाँ पर बस फेंके जा रहे हैं, कितने सारे रैपर्स हैं चॉकलेट्स के, वेफर्स के, और बोतल हैं बहुत सारे पानी के, एंड दूसरे बोतल भी हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। यार अगर आप आ रहे हो ना तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखो, हमने अपने गली मोहल्लों को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, प्लीज़ ये नेचर को छोड़ दें हम, यार नेचर को तो कम से कम गंदा ना करें, इस चीज़ को तो साफ़ रखें, क्योंकि यही चीज़ हमें वापस से मिलने वाला है, इसी चीज़ से हमें सब कुछ मिलने वाला है। यार बात से सहमत हो तो प्लीज़ अगर आ रहे हो तो गंदगी मत फैलाना। अब ये कौन साफ़ करेगा, ठीक है, जितनी बोतल अगर मुझे रास्ते में अब दिखते हैं मैं उठाते उठाते दिखता हूँ, अगर कोई डस्टबिन मिलता है तो डाल दूँगा, लेकिन कम से कम मैंने जो लाया वो मेरा हक है डस्टबिन तक पहुँचाना। सामने लेक दिखाई जा रहा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं चलिए। तो ये देखिए यही वो लेक है जिसकी बात कर रहा था मैं आपको, काफ़ी सुंदर, अगर आप आ रहे हो तो फोटोशूट वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पे आके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। फिलहाल जब बारिश होगी आई थिंक सो और भी ज़बरदस्त दिखाई देने वाला है ये, देख रहे हो नेचर, ये देखो साक्षात महादेव का वास यहाँ बसता है ऐसा लगता है, देख रहे हो, देखा है ऐसा नेचर कहीं पर, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ गंदगी मत फैलाना यार, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है। ये देखिए एक अलग सी खुशबू आ रही है, एक अलग सी महक और एक अलग सा वाइब्स जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है, बहुत खुशियां देगा अगर आप इस नेचर को साफ रखोगे तो। एक छोटा सा और गहरा है, देख रहे हो नज़ारा जबरदस्त एकदम बढ़िया, मज़ा ही आ गया यार, आ रहे ना क्लियर। ऊपर बहुत सारे वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं और उसी का पानी जो है यहाँ पर जमा होता है बीच में, यहाँ देखें। तो अगर आ रहे हो तो फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ में आओ, काफ़ी चिल मार सकते हो, मज़ा कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। आई डोंट थिंक कैमरा हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा इस व्यू को जितना हमारी रियल आंखों से दिखाई देता है। चलिए सो ये जो मेरे सामने नज़ारा है ना भाई यार, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। अगर आपने मेरा भूसी डैम वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो आप वो भी व्लॉग देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरे सामने इस वक्त जो नज़ारा है मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये देखिए
ये देखिए यार, ये देखिए हल्की हल्की बारिश जो है वो चालू हो चुकी है, और इस बारिश में ट्रैकिंग करने का मजा अलग लेवल का है भाई यार। एक और रिवर आ चुका है, चलिए उसे क्रॉस करते हैं। आराम आराम से एंजॉय, चलो मेरे साथ। एरे एरे हाँ, सो अच्छा खासा ये भी क्रॉसिंग था, देखिए लोग क्रॉस कर रहे हैं। हाँ मज़ा आ गया है, मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल मज़ा है यार, ये देखिए। तो भाई ये लोग जो है प्लान ऐसा है कि नीचे से ही जाना है। अब आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, यही सीन है, इसलिए मैं बोलता हूँ एकदम आराम से चलिए, वरना फिसल जाओगे, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो। नीचे से चलते हम लोग, आइए नीचे से ही चलो, फिसल जाओगे। यहाँ पे पैर रखो आराम से, यहाँ रखा पैर एक और दो, सो एक घंटा 30 मिनट हो गया, कंटिन्यू हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आई डोंट नो अभी और कितना टाइम लगने वाला है। सो अगर आप आ रहे हो ना, तो ये समझ के आना कि चलना जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सुबह आना अगर अपनी फोर व्हीलर कार वगैरह से आ रहे हो, मतलब पर्सनली अगर आ रहे हो तो कोशिश करना कि आप एकदम सुबह पहुँचो, लाइक 5 बजे 6 बजे इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी गर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर है। आने वाले जो जितने लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो करीबन 5000 से ज़्यादा लोग अभी देवकुंड वाटरफॉल के पास हैं, 5000 से ज़्यादा लोग। अब हम वहाँ जाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे पता नहीं, बट एक चीज़ है फाइनल, चलना बहुत पड़ेगा, ध्यान देना, चलना बहुत पड़ेगा। चलते चलते हालत ख़राब होने वाली है सबकी, लेकिन एक अलग एडवेंचर भी है, मज़ा ही है, क्या ही बोलो। हर मोड पे आपको ना रिवर मिलने वाली है, उस रिवर को आपको क्रॉस करके आना है, फुल एडवेंचर, फुल एकदम ज़बरदस्त एडवेंचर। चलो आगे चलते हैं। सो बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चालू हो चुकी है, एकदम बढ़िया। और ये मेरे बैकग्राउंड में नज़ारा देखिए, ये देखिए, मतलब यार एकदम खतरनाक वाला। वेट अ सेकंड, मैं आपको एक अच्छा शॉट दिखाता हूँ। तो चलते हैं ब्रिज के ऊपर, ये हमारा ब्रिज। बहुत ही डेंजर ब्रिज, थोड़ा हिल रहा है, चलने के लिए बाइक कसम से फट रही है। भाई ब्रिज हिल रहा है, नज़ारा देखो भाई यार, सीरियसली अभी नाजिना और कितना ऊपर चढ़ना है, थक गया, मज़ा आ रहा है ऑलवेज ऑन। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा थक गया सीरियसली। आप जब वो वाला ब्रिज क्रॉस करोगे ना, पानी वाला जो भी मैंने क्रॉस किया, उसके बाद सबसे ज़्यादा है चढ़ान, एकदम ऊँचे पहाड़ पे चढ़ लिया तो बेस्ट, वरना रिटर्न में आना। चलो टूटेला
ओह बहुत डेंजर रास्ता भाई, बहुत डेंजर। तो फाइनली करीबन मैं बता दूं आपको, 2 घंटा 3 मिनट चलने के बाद फाइनली हम अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूं बेटा सेकंड। क्या ही बोलूं मतलब जबरदस्त। मौसम जो है बहुत ज़्यादा काला हो गया है और बारिश ज़बरदस्त हो रही है। वाटरफॉल का जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अंदर मुझे लगता नहीं कोई जाने दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार नीचे उतर के देखते हैं जाने मिलता है कि नहीं। ठीक है चलते हैं नीचे। और ये वाला नज़ारा तो भाई साहब मतलब क्या ही बोले। चलो चलते हैं नीचे। पानी का फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तक का मैंने ऐसा फ्लो देवकुंड में जो है नहीं देखा था यार। बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है पानी और बहुत ही फोर्सली से नीचे आ रहा है, इसलिए पानी में किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। पहले उस रस्सी के पार रहा जाता था, लेकिन रस्सी के पार भी अब आप नहीं जा सकते, मतलब ऑल आप नीचे ही नहीं आ सकते। और नज़ारा देखो यार, मतलब क्या ही बोले देखो, खतरनाक। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। कहीं भी अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम आपके सामने ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, टाटा बाय बाय।